CMBU के पीजी जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सेमिनार में पहुंचे कई विश्वविद्यालयों के कुलपति वो शिक्षाविद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में UGC प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विशिष्ट पदाधिकारियों के साथ साथ बाहर से आए कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर दिया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार का विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी के विविध आयाम रखा गया। यह सेमिनार पीजी जूलॉजी विभाग और भारत सरकार के एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर बिहार झारखंड के तत्वावधान में आयोजित किया गया। पीजी जूलॉजी विभाग के हेड वो डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर राष्ट्रीय सेमिनार के कन्वेनर हैं, जबकि विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी आयोजन सचिव हैं। कुलगीत से सेमिनार के उद्घाटन सत्र की शुरुआत की गई। वहीं स्वागत संबोधन विभाग अध्यक्ष व सेमिनार के कन्वेनर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने किया। वहीं सेमिनार का विषय प्रवेश आयोजन सचिव डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी ने किया। डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की कुलपति वो TMBU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, JP विश्वविद्यालय छपड़ा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, TMBU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर KK सिंह, प्रोफेसर AK राय आदि की नोट स्पीच को लोगों ने काफी सराहा। कार्यक्रम में वक्ता और प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों में जुड़े थे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभाग स्तर पर शिक्षकों, रिसर्च स्कॉलरों और छात्र छात्रा लगी हुई थी। मौके पर स्मारिका का लोकार्पण भी अतिथियों के द्वारा किया गया। उद्घाटन का सत्र धन्यवाद ज्ञापन TMBU के कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने किया। मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विशिष्ट अतिथि के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अतुल शमिरन, डॉक्टर सपना वर्षा सहित विभाग के सभी शिक्षक और कर्मी के साथ साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थी। कोरोना काल खंड था, वो करीब 3 वर्षों से ऑफलाइन जितनी एक्टिविटी थी वो सभी रुकी हुई थी और केवल वेबिनार हो रहे थे ऑनलाइन। तो हम लोगों ने ये प्लान किया, जिसको AERC और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का अप्रूवल मिला और हम लोगों के ये प्रपोजल सैंक्शन हुए 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार के लिए, जिसके टॉपिक हम लोगों ने चयनित किए डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, अगर मैंने केवल इसमें साइंस करता तो हमारे दूसरे संकाय के जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कॉमर्स, लॉ, उसके स्टूडेंट या उसके टीचर वंचित हो जाते। और अभी जो UGC रेगुलेशन PhD का 2016 है, जिसमें PhD के लिए सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कंपलसरी है, तो मैंने मेनली रिसर्च स्कॉलर्स जिनके लिए PhD के लिए ये ज़रूरत होगी उस समय सबमिशन के लिए, या जो टीचर्स हमारे हैं उनको जो कैस का अभी नया रेगुलेशन आया प्रमोशन का, उसमें ये कंपलसरी है। इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि इसमें हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी किए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कि किस तरह से आप रिसर्च करेंगे जिससे कि रिसर्च की सार्थकता रहे, उसके रिसर्च के डिसिप्लिन मेंटेन रहें और आउटकम आए जिसके रिकमेंडेशन हम लोग गवर्नमेंट को भेज सकें। इसी के सर, इस सेमिनार में TMBU के छात्र हैं नहीं, ये इसमें ऑल ओवर इंडिया हमारे बहुत सारे छात्र इसमें जो जुड़े हैं ऑफलाइन में, वो झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय से हैं और करीब 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन मोड में जुड़े हैं। वैसे यहाँ पर जो हमारा चल रहा है नीचे JSDM ऑडिटोरियम में, इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर में 5th ईयर लैब में वहाँ भी चल रहा है इसका लाइव टेलीकास्ट, जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सेम 1 से लेकर सेम 4 तक,
तो उन लोगों को हम लोगों ने उधर एकोमोडेट किया है, या और भी बच्चे और जिनको हमने अपना लिंक प्रोवाइड किया है वो उसमें, जैसे हमारी जो चीफ गेस्ट हैं जो फॉर्मर वाइस चांसलर थी भागलपुर यूनिवर्सिटी के और प्रेजेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की वाइस चांसलर हैं, वो किसी काम से उनको यूएसए जाना पड़ा, तो उन्होंने अभी यूएसए से कीनोट एड्रेस किया और वो वहाँ से जुड़ी और हम लोगों को उन्होंने एड्रेस किया और हमारे